चेन्नई सब कटा ही रहा। नहीं नहीं वो काम करता है, ये सिंगल है। हाँ ये सिंगल। नहीं अभी गाय बुलाएंगे, बाद बुलाएंगे। इंट्रो तो वहीं लोगों ना, जहाँ भीड़ होगा। मधु मैडम आइए बोलिए, आज उद्योग मेला के बारे में थोड़ा। नमस्कार, आज हम सामने मधु मैडम जो मारवाड़ी महिला समिति की पूर्व अध्यक्ष भी रह चुकी हैं और हर काम में एक्टिव। मैडम जो आज, सबसे पहले आपका नाम बताइए। मैं मधु अग्रवाल, पूर्व अध्यक्ष महिला समिति की। तो आज जो प्रोग्राम हो रहा है मैडम, उद्योग मेला, हाँ, इसके बारे में बताइए। ये 3 साल से अपना कोविड के लिए बंद था, आज 3 साल के बाद फिर हम लोग चालू किए। पब्लिक अभी थोड़ी कम है, शाम तक भीड़ होगी, सबको इसी प्रोजेक्ट का इंतजार रहता है। जी मैडम, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। एक चीज़ देखने को मिलती है, एक छत नहीं थे सारे, कोई कलकत्ता का है तो कोई बॉम्बे, कोई जमशेदपुर, हर तरफ से लोग यहाँ पर आ चुके हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को धन्यवाद देना चाहिए। एक छत के नीचे सारे को आप इकट्ठा कर देते हैं, चाहे कलकत्ता हो, दिल्ली हो, बॉम्बे हो, हर लोग यहीं पर आए थे। थैंक यू। बोलो बोलो, ये फोटो के बड़े शौकीन हैं। बोलिए बोल दीजिए। मैं उद्योग मेला, नहीं आपका नाम पहले बताओ। मेरा दारुका, हमारा उद्योग मेला हर साल होता है, बहुत बढ़िया होता है, हर जगह से लोग आते हैं, खूब एंजॉय करते हैं और मार्केट में सफा बहुत अच्छा जाता है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद द्वारका मैडम, आपको भी बहुत नॉलेज है। कहाँ कहाँ से इसमें ऐसा है लोगों की, जो फंड आता है उसमें ऐसा है लोगों की मदद की जाती है, जो इनकम आता है, जो भी इनकम है ना, मदद की। तो आपने कहाँ कहाँ अभी तक ऐसा कर लोग मदद की है? इसके पहले भी तो आपका उद्योग मेला चला था। आश्रमों में उसमें पहले भी आश्रम करते हैं हम अपन, नहीं पहले भी तो आपका कई बार हो चुका है। जो भी हमारा आता है तो हम, पहले भी तो आप किए थे लगता है ना। चलिए, हर साल होता है, बस कोविड की वजह से 2-3 साल नहीं हुआ। हाँ नहीं, 2 साल नहीं हुआ मैडम। चलिए ठीक है, चलिए, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। देखिएगा मैडम, आपको भेज दूंगा। मैडम छोटे भगवान है तो देखो रे। नमस्ते मैडम, बोलिए बोलिए। आइए ना, अच्छा आपका नाम बताइएगा। मैं सुलोचना केड़िया। आइए ना पास, हाँ। खेतजासपुर महिला समिति अध्यक्ष इधर। हाँ हाँ, तो मैडम जिस तरह देखा आज जो आपका मारवाड़ी महिला समिति मैंने बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइज किया कि उसमें हर लोगों को एक ही जगह ले ला के इकट्ठा कर दिया। कोई जिसको आप कलकत्ता वालों को नहीं जानते, जमशेदपुर, बिहार और कई जगह से लोग आए हैं, तो इसके बारे में बताइए। हाँ, तो इससे जो आने वाले उनको भी बहुत फ़ायदा होगा और हम हमारे यहाँ जाने वालों को भी बहुत फ़ायदा होगा। एक जगह सारी चीज़ें मिल जाएगी तो हमको भी अच्छा लगेगा और उनको भी अच्छा लगेगा, उनको भी अच्छा फ़ायदा होगा। धन्यवाद, आप बोलिए मैडम, आपका नाम बताइए। इससे जो मेरा नाम मंजू टिबड़ेवाल है, मैं खेतराजपुर समिति की पास्ट प्रेसिडेंट हूँ और इस मेला का उद्देश्य हमारा ये रहता है, ये हम लोग 20 साल से लगा रहे हैं, इससे जो हमारी इनकम होती है उसको हम लोग सब गरीबों के लिए सहायता के लिए। धन्यवाद मैडम, आपका नाम बताएंगे। सुशीला फरमानिया जी। मैडम आप तो मैडम बहुत फेमस हैं, इसका शरीर दान, अंग दान सब कुछ आप करवा लेती हैं, तो यहाँ पर क्या दान करवाएंगे? यहाँ पे हम लोगों ने बैनर लगाया है, लगा लिया। जो करना चाहे वो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकता है, आई डोनेशन बहुत इजीली हो जाता है, तो वो सब चीज़ें कर सकते हैं। यहाँ पे महिला समिति हमेशा ही अनगिनत सेवा कर रही है। बहुत 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 धन्यवाद मैडम। मैं जाता हूँ, जहाँ फरमानिया मैडम जाती है वो भी जरूर अपना बैनर साथ में जरूर ले जाती है, चाहे कुछ हो ना हो लेकिन पक्का कि अपने को प्रचार में आगे लगी रहती है। आप लोग सहयोग करेंगे तो चलिए अनगिनत सूरदास को आंखें मिलेंगी। चलिए थैंक यू। नहीं तो कपड़ा लेते हैं।